किसी के बच्चे के अंदर अगर शैतान की आत्मा वास कर जाए तो वो माँ क्या करेगी? अपने परिवार, अपने समाज की भलाई के लिए अपने ममता का गला घोंट देना चाहिए। ओ! ओ! आपकी कोख से एक शैतान का पुनर्जन्म हुआ है। बेटे को खुद से दूर कर दूंगी, भूल जाऊंगी। चिराग को मैंने अपने कोख से जन्म दिया है। बच्चा माँ का तन का ही नहीं, मन का भी हिस्सा होता है। अपने तन मन के हिस्से को खुद से दूर करके माँ अधूरी हो जाएगी ना। हे अम्बे माँ, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने ममता के बल पर अपने चिराग को उस शैतान से मुक्ति दिला सकूं। आपकी कोख से एक शैतान का पुनर्जन्म हुआ है। इस बच्चे के शरीर से अगर शैतान निकला तो इस बच्चे की जान चली जाएगी। बब्बू, तुम दोनों बिना बताए अचानक कहाँ चले गए थे? अरे हम लोगों ने गेम जोन जाने का प्लान बनाया था। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो मुझे अचानक जरूरी काम याद आ गया तो सोचा कि चिराग को लेकर ही चली जाओ मार्केट। हमने सोचा कि आपके आने से पहले घर पर वापस आ जाएंगे, पर अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई मार्केट में। क्या? इसलिए इसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी, पर देखा तो फोन की बैटरी डेड हो गई थी। इसे फीवर तो नहीं है? नहीं, फीवर नहीं, बस धूप की वजह से थोड़ी डिहाइड्रेशन हो गई है। सही दवा जो मिल गई मुझे। मैंने इसे अपनी कोख में 9 महीने अपने खून से सींचा है। ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है, उसे मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। कितना मासूम, कितना प्यारा है मेरा बेटा। जिस शैतान ने माँ और बेटे के बीच में दूरियां पैदा कर दी, मैं उसके बारे में सब कुछ पता लगाऊंगी। अब मेरी ममता का आंचल कवच बनेगा मेरे बेटे के, ऐसा कवच जिसे कोई भी शैतान भेद नहीं पाएगा। भाभी, मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी, अब मैं जाऊं? अरे वाह, अभी आई और अभी जा रही हो? रुको, ये लो जरा टमाटर काट के दो तो मुझे। भाभी, यू नो आई डोंट लाइक दिस कटिंग शटिंग, और वो भी टमाटर, यू नो इट्स जस्ट गोना spoil my nail polish in my hands, please. शनाया भाभी, आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। विद्या, really? Oh God, you're so sweet. विद्या, you know what? You're the best देवरानी in this whole wide world. Touch wood. मिली, तुम और न्यूज़पेपर? पढ़ने दो विद्या, काम का क्या है, वो तो हो ही जाएगा। तो मिली, जरा हम भी सुने आज की ताजा खबर। बापरे, ये तो बड़ी खतरनाक न्यूज है। प्रीतमपुर गांव के डाक घर में काले शैतान का साया, गांव में पसरा सन्नाटा। बस बस, ये सब खबरें जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आके थोड़ा काम कर ले। देखो कोई माने के ना माने, हमारे गांव में तो सब मानते थे हो कि एक बार जहाँ पे शैतानी साया आके बस गया ना, तो बस गया। हाँ मिली? हाँ, तो ऐसी शैतानी ताकतों से मुकाबला करना आसान नहीं होता। मिली, मैंने मना किया ना, पर कोई तो तरीका होगा ना। मेरा मतलब है, गांव वालों ने कुछ तो बताया होगा कि ऐसे शैतानी ताकत का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। हाँ बताते हैं ना, कहते हैं कि ऐसी शैतानी शक्तियों को गुस्सा मत दिलाओ, अगर गुस्सा दिलाया वो जाग जाते हैं। फिर क्या, चारों तरफ तबाही ही तबाही, सब तरफ तबाही फैल जाती है। तुमने कभी किसी शैतान को देखा है? हाँ तो देखा है ना, हमारे गांव में एक आदमी पर शैतान हावी हो गया। वो आदमी रात के अंधेरे में धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकलता था और पूरे गांव में घूमता था। अचानक से ही हवाएं चलने लगती थी, बिजलियां कड़कने लगती थी और उसकी आंखों में आग निकलती थी। यहाँ देखता तो यहाँ, वहां देखता तो वहां आग लगती थी।
फिर एक दिन अचानक वो सांप बनकर वो हमारे बाजू वाले याची के कमरे में घुस कर उसके पलंग के ऊपर बैठ गया और चाची ने देखा और चाची चिल्लाई और चाची बेहोश। फिर क्या हुआ? फिर क्या? फिर चाची मर गई। अब वो चाची भी चुड़ैल बन गई है, सफेद साड़ी पहने, हाथ में मोमबत्ती लिए, ऐसे ही खुले बाल रख के वो गाना गाती है। मिली, बंद करो ये बकवास। कभी सांप, कभी शैतान, कभी फिल्मी चुड़ैल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अरे होता है सनाया भाभी, मानो या ना मानो ऐसी ताकतें होती हैं, है ना विद्या भाभी? हाँ, शायद। विद्या, come on, तुम भी इसकी बातों पर बिलीव कर रही हो? अरे गांव में ऐसी बातें होती हैं। अरे नहीं नहीं, कानों सुनी आंखों देखी बातें हैं, कुछ गलत नहीं है। बस बहुत हो गया है, आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जीते हैं यार। अगर हमें किसी भी चीज के लिए सही इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है तो इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है। शैतान के बारे में सच, झूठ, सही, गलत सब सामने आ जाता है। विद्या क्या कर रही हो? कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पे। वो थोड़ी धूल जम गई थी तो सोचा कि साफ कर दूं। तुम रहने दो विद्या, मैं खुद ही कर लूंगा। वैसे भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स भेजने हैं। हे भगवान, इन्हें पता चल जाएगा कि मैं शैतान के बारे में सर्च कर रही थी। क्यों सर्च कर रही थी तो मैं क्या जवाब दूंगी? पता नहीं लैपटॉप चार्ज है भी कि नहीं, देखा था तुमने? क्या कर रही हो विद्या? आप क्या कर रहे? हमेशा काम काम काम, कभी इंपॉर्टेंट मेल भेजना है तो कभी मेल चेक करना है। आज नो लैपटॉप और नो का। क्या बात है, आज मौसम बड़ा रोमांटिक कैसे हो गया? और वैसे भी इस रोमांटिक मौसम में कौन कमबख्त काम करना चाहता है?
भी वही लिखा जो मिली कह रही थी कि गुस्सा ही शैतान की ताकत को बढ़ावा देता है और उसकी वो ताकत भयानक रूप ले लेती है और फिर शुरू होती है शैतान की विनाश लीला। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब जब चिराग को गुस्सा आया तब तब शैतानी ताकत उस पर हावी हुई है। के अंदर जागे हुए शैतान को प्यार से शांत किया जा सकता है। प्रेम, सब्र, परवाह और शांति ही मूल मंत्र है जिनसे शैतान पर जीत पाई जा सकती है। ये सच्ची तो है, चिराग ने शैतानी ताकत के प्रभाव में चाहे कितनी गलत बातें की पर उसने मुझे, अपनी माँ को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चिराग, आगे बढ़ो और मार डालो इसे। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने तुम्हें माँ का प्यार दिया है और माँ के प्यार में बहुत ताकत होती है। क्योंकि मेरी ममता चिराग में बसे हुए शैतान को कमजोर बना देती है, पर मुझे अपनी ममता का और चिराग के गुस्से के कहर को आजमाना होगा। मगर कब, कैसे, कहाँ, ये सब बहुत सोच समझ कर प्लान करना पड़ेगा और वो भी तब जब घर पर मेरे और चिराग के सिवा और कोई ना हो। मैं कैसे भी करके चिराग को गुस्सा दिलाऊंगी और फिर देखूंगी वो अपनी माँ पर वार करेगा या मेरी ममता शैतानी ताकत पर प्रहार करेगी। जान गई हूं चिराग की असलियत। या तो ये चीटिंग कर रहा है या तो फिर इसे मैजिक आता है। अरे हर बार जीते जा रहा है, देखो ना, हर बार छह जैसे कि नंबर 6 पर इसका कोई कॉपीराइट हो। हाँ है। अरे चलो कान, कम ऑन चैंप। अरे अरे वाह, ये फिर से नंबर 1। वेरी गुड। हेलो चिराग, किसका फोन है? अरे चिराग, वाह विद्या, तुम्हारा बेटा तो अभी से। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है देवा, वरना वो हमें छोड़कर अकेले में बात करने किससे जाता, कोई तो स्पेशल होगा। पर वो है कौन? क्यों फोन किया? तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो काट देती हूँ। और नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुम मुझे मिस नहीं कर रहे? आ कर रहा हूँ। तो फिर आप स्कूल क्यों नहीं आए? ठीक है कल स्कूल आऊंगा।
जाएगा, कल स्कूल पक्का था। तो मैं कट्टी हो जाऊंगी। कट्टी नहीं, मैं स्कूल आऊंगा। तुम्हें पता है मैंने एक सांप भी पकड़ लिया था। सांप? तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, मेरे काकू तो मुझे सुपरमैन कह रहे थे। अच्छा है सुपरमैन। कल पक्का स्कूल आओगे ना? हाँ आऊंगा, गॉड प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस, बाय। किसका फोन था? गर्लफ्रेंड का। किसका फोन था? गर्लफ्रेंड का। मुबारक हो देवांग, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है। चलो चलो चलो, सब लोग तैयार हो जाओ। चिराग बेटा तुम भी तैयार हो जाओ। क्यों बा, हमें कहाँ जाना है? बिरयानी अंकल के घर जाना है, उनकी बहू की गोद भराई का फंक्शन है वहाँ, इसीलिए। देवा तुम्हें तो किसी अर्जेंट इंस्पेक्शन में जाना है ना? हाँ बाबूजी, लेकिन मैं वहीं से डायरेक्ट फंक्शन पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा। मम्मी मुझे तैयार कर दो। नहीं बेटा, हम किसी गोद भराई के फंक्शन में नहीं जा रहे। क्यों मम्मी? क्योंकि हमें किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है। बर्थडे पार्टी? ये! लो, माँ बेटे का तो प्लान बन गया। अरे अब तुम लोग जल्दी चलो, चलो चलो जल्दी। आज घर पर मेरे और चिराग के सिवाय कोई नहीं होगा, मुझे इस मौके का फायदा उठाना होगा। शैतान और मेरी ममता की जंग में ये मेरा पहला कदम होगा। मुश्किल आजमाइश के लिए? हाँ, गुस्से की आग को हवा देने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर उस आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया तो, अगर मेरी ममता ने उस आग को शांत कर दिया तो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि गुस्से में चिराग कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम भूल गई चिराग ने अपनी दादी और यशोधन जी पर कितने घातक वार किए थे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने उसे गुस्सा दिलाया था। लेकिन आज तक चिराग ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि आज तक तुमने चिराग को कभी गुस्सा दिलाया ही नहीं। देखो कहीं तुम्हारे आजमाइश का खेल उल्टा ना पड़ जाए। विद्या संभल कर, शेर की मांड में हाथ डालने जा रही हो तुम। शेर की मांड या आग का दरिया, कोई परवाह नहीं। शैतानी ताकत जीतेगी या मेरी ममता, आज तो ये आजमाइश होके ही रहेगी। अभी भी वक्त है विद्या, अपना इरादा तुम बदल सकती हो। नहीं,
मेरा इरादा अब फैसले में बदल चुका है। फैसले में